तौर पर लोग ये मानते थे कि डीयू में छात्र यूनियन के चुनाव में जो पार्टी दिल्ली में की तख्त पर तक नसीब होती है वही उसी का समर्थक यूनियन यहाँ जीतता है। जेएनयू के बारे में इसके उल्टा लोग समझते रहे हैं। हम लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मोदी जी के 2.5 साल हो गए, विद्यार्थी परिषद का सत्ता वाला, सत्ता के नशा वाला रूप भी दीयू के लोग देखे हैं, फिर भी ये डर बना हुआ था कि वो लोग ही जीतेंगे। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो पूरे देश में एक संदेश गया, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। व्यक्ति और छात्र संगठन इम्पोर्टेंस उसका तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि बीजेपी समर्थित विद्यार्थी परिषद को मुंह की खानी पड़ी। एक रिजल्ट और आया है आज देश में नांदेड़ का, उसका भी उतना ही अच्छा संदेश है पूरे देश को। हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर वो जगह है, गुरु गोविंद सिंह का निधन वही हुआ था और हैदराबाद निजाम के राज में वो शामिल था नांदेड़। आउट ऑफ 81 69 सीट पर जहां बीजेपी का कब्जा था वो 2/3 ज्यादा से भी कांग्रेस वहां जीती है। और इसमें और एक सिग्निफिकेंट बात हुई है कि पिछले चुनाव में वहां 15 एक वैसी साहब है मुसलमानों के लीडर है कहते हैं, और निजाम की बनाई हुई पार्टी है अपनी, जो निजाम भागने लगे तो अपनी विरासत अपना सब सब चीज इन्हीं को देके गए थे। 15 उनके महानगर परिषद के कारपोरेटर जीते थे, वो उनका भी सफाया हो गया।